हाय के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें, बने रहें जुड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी। आज ये क्वेश्चन आज से नहीं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उसके एक महीने बाद से ही ये क्वेश्चन आने लगा था कि सर आप आईआईटी इंदौर में पढ़ते हो या आप एनआईटी त्रिची में पढ़ते हो। आपने पिछले वीडियो में तो ये बताया था कि आप आईआईटी इंदौर में पढ़ते हो, इसमें आप ये बोल रहे हो कि आप एनआईटी त्रिची में पढ़ते हो। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई जरूरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब से ये प्रॉपर काउंसलिंग आफ्टर फैब चालू हुई है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक आसान तरीका सोचा बोटिंग कराने का। तो बोटिंग तो टेलीग्राम पे मैंने कराई, यूट्यूब पे कराई, और बहुत ज्यादा लोगों ने ये डिमांड की कि सर हाँ आप एक पूरी जर्नी बताइए कि आपने आईआईटी क्यों छोड़ा एक एनआईटी के लिए। तो चलिए इस जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। आज मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि जो मैंने डिसीजन पिछले एक साल पहले लिया था वो डिसीजन कितना सही था। ये जर्नी को मैं अपने 12th क्लास से स्टार्ट करता हूँ। आई वॉज इन माई 12th, तो मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, तो आईआईटी तो क्रैक नहीं हुआ, बट मेरा जेई मेंस क्रैक हो गया, काफी अच्छे मार्क्स थे। बट मेरी फैमिली में कोई भी इंजीनियर क्या कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि मुझे एनआईटीज वगैरह किस तरीके से फिल करने चाहिए। किसी ने बोला कि ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, बहुत अच्छा है। मैंने अपनी जो बैचलर्स है वो इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूरी की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो आईपी वाला है, आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ। अपनी आईपी ब्रांच ली क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने बोला कि आईपी तो यार अच्छी ब्रांच होगी, नई ब्रांच खुली है, क्या सब लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएस लेते हैं, तुम आईपी लो, आईपी में ज्यादा फ्यूचर है। मैंने ये सोच के ले ली। मैं कॉलेज में एंट्री करता हूँ तो मुझे पता चला कि जो बच्चा मैकेनिकल में बैठा है, सीएस में बैठा है, उसके तो यार जेई मेंस में मेरे से कम मार्क्स है। उस समय मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बट कोई नहीं, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। तो मैंने अपने 4 साल को कंप्लीट करता हूँ, फिर आता है मेरा 4th ईयर। हमारे यहाँ पे 2018 में जब मैं पास आउट हुआ, मैंने अपना इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट किया, तो हमारे यहाँ कंपनीज आई, उस समय थोड़ा रिसेशन चल रहा था, तो एक बच्चा एक ही कंपनी में प्लेस हो सकता था। तो मैं सबसे पहले इन्फोसिस आई, मैं उसमें बैठा, मैं प्लेस हो गया। मेरे लिए अच्छा मोमेंट था कि चलो मैं प्लेस हो गया, मेरे घर वाले खुश थे कि चलो लड़का प्लेस हो गया। बट मुझे कभी भी ना मतलब जाना नहीं था, मुझे काम नहीं करना था इंफोसिस के अंदर। सो आई डिसाइडेड कि मुझे अब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। सो मैंने दिल्ली आ गया। उस टाइम मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे गेट के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे ईएस के लिए ही पढ़ना है। तो मैंने अपना जुलाई बैच ज्वाइन करता हूँ, जुलाई में मैंने अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैं पहुंचा, मेरा फरवरी आया, एग्जाम दिया, ईएस में नहीं हुआ, ठीक है नहीं हो पाया। मैंने सोचा एक साल और अपना देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्या था, जो जनरल स्टडीज का पोर्शन होता है ये इसका, वो मेरा बहुत मजबूत हो गया था। मैंने अनअकैडमी में अप्लाई कर दिया पढ़ाने के लिए, अनअकैडमी में मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। मैंने वहाँ पर 6 महीने पढ़ाया, ठीक है, उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, थोड़ा बहुत स्पेंड इधर उधर, थोड़ा खर्चे वर्चे चाय पानी का निकल आता था। उसके बाद मैंने अनअकैडमी पे छोड़ा, उसके साथ मैं अपना तैयारी करने लगा, ये इसकी तैयारी कंटिन्यूसली कर रहा था। अगले साल क्या होता है, आईआरएमएस की वैकेंसी निकल जाती है, वैकेंसीज बहुत कम हो गई, कट ऑफ बहुत हाई हो गया, मेरा फिर नहीं हो पाया। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक और साल ईएस में दूं जहां पर फिर से वैकेंसी 40-50 आने वाली है। मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत लोग मतलब जज कर सकते हैं कि आपके तो काफी कम मार्क्स हैं या ऐसा है, तो मैं आपको बता दूं मेरा टेक्निकल कहीं से कमजोर नहीं है। मेरा मैकेनिकल, मैंने अपना जो गेट पेपर है वो मैकेनिकल में लिखा था, इवन मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से बीटेक किया हुआ हूं, बट मुझे हमेशा से ईएस में जाना था, इसलिए मैंने मैकेनिकल डोमेन को ही पकड़ रखा। तो मैंने अपना मैकेनिकल में गेट पेपर दिया, एवरेज सा स्कोर आया, लेकिन मेरा तैयारी बहुत अच्छा था, लेकिन उस दिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, वो भी मेरे अंदर एक बैड लक था। अब दे तो दिया क्योंकि कोरोना आ चुका था, पीएससी आ नहीं रही हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, परेशान था, तो सोचा एमटेक करता हूँ, एमटेक में है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि एनआईटीज के अंदर भी एमटेक होता है, मुझे इतना पता था कि आईआईटीज में एमटेक होता है, और अगर मुझे आईआईटी मिल जाएगी तो मेरा प्लेसमेंट हो सकता है।
फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे पढ़ना चालू किया, क्योंकि उस टाइम भी कोई नहीं था गाइड करने के लिए। थोड़ा इधर उधर हाथ मारना चालू किया, थोड़े जो कहीं से जुगाड़ लगाया सीनियर्स का, जो कोई NIT कैलीगढ़ में पढ़ रहा है, कोई तिरची में पढ़ रहा है, या कोई IIT में पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत मैंने जुगाड़ लगाना चालू किया, उन लोगों से थोड़ी सी राय ली कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे मार्क्स तो एवरेज थे और मुझे चाहिए ही था M.Tech उस टाइम तक। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि भाई मुझे क्या M.Tech मिल सकता है, जो ऑलरेडी किसी IITs के अंदर पढ़ रहे थे। तो मैं आपको पहली सीख यहाँ पर क्या देना चाहूंगा, पहली सीख ये है कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर IIT में M.Tech कर रहा है तो उसको सही नॉलेज है M.Tech काउंसलिंग की। उसने मुझे बोला कि भाई तू बता करना क्या चाहता। मैंने बोला कि मुझे कैसा कॉलेज चाहिए जहां मैं प्रिपरेशन कर सकूं, और प्लेसमेंट की थोड़ी बहुत हो जाए तो ठीक है, बट प्रिपरेशन मेरा मेन मोटो है। तो उसने बोला भाई एक काम कर, NIT उत्तराखंड वगैरह ले ले, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। भाई वर्स्ट डिसीजन होता अगर मैं वो ले लेता, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे मिल जाता, लेकिन वो लेना बहुत वर्स्ट डिसीजन होता। तो प्रिपरेशन के लिए कभी भी ऐसे किसी कॉलेज में मत चले जाओ जहां पर आपको पता ना हो, आपको नॉलेज ना हो। ये पहली सीख है। दूसरी सीख मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे क्या मिल सकता है। तो बोला भाई देखो IITs तो भूल जाओ, पर तुम्हें एक क्या है कि तुम्हें NIT जयपुर वगैरह में मटेरियल साइंस जैसी छोटी ब्रांच मिल सकती है। तो मैंने कहा ठीक है यार, आई वॉज हैप्पी कि मुझे NIT जयपुर में ना मटेरियल साइंस ही मिल जाए। उस टाइम मैं ऐसा था। तो मैंने IITs के सारे फॉर्म भर दिए, जितने भी IITs के फॉर्म थे उनके कट ऑफ से मैच करके सारे फॉर्म्स भर दिए, ठीक है। अब IITs के रिजल्ट आना चालू थे, लेकिन ये पूरे में हल्ला हो चुका था कि कोरोना के चक्कर में इस बार IIT के कट ऑफ आसमान छूने वाले हैं, जो कि बात सच हुई और कट ऑफ आसमान छूने लगे। कहां 450 में 2019 में एनर्जी सिस्टम मैकेनिकल से एक बच्चे को IIT मंडी में मिली थी, उसी IIT की मंडी की एनर्जी ब्रांच का कट ऑफ 750 जा रहा था। उस समय मेरे पसीने छूट गए। लेकिन आप लोगों को वहां पर देखो एक खुशी का मोमेंट बताता हूं। खुशी का मोमेंट क्या है, जब कोप राउंड वन का रिजल्ट आता है तो उससे कुछ मिनट पहले ही या आधे घंटे पहले ही आपके पास एक मेल आ जाता है कि आपको किस IIT ने सीट ऑफर की है। मेरे पास मेल आता है कि आपको IIT इंदौर में मेटलर्जी इंजीनियरिंग में सीट ऑफर हुई है। भाई मैं इतना ज्यादा खुश कि यार IIT इंदौर मिल गया, NIR फ्रैंकिंग 10 है यार, मजा आ गया भाई, प्लेसमेंट तो यहाँ से हो ही जाएगा। मेरा एक सीनियर था वहां पर, तो मैंने सीनियर को कॉल किया, मैंने पूछा सर यहाँ पे प्रेशर वगैरह कैसा रहता है, क्या मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ भाई कर लेगा, तू ले ले, है ना, नॉन कोर में तेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। चलो यहां भी एक और सीख मिलेगी, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस बात के बारे में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, मैंने सोचा चलो राउंड टू का वेट करते हैं, शायद कुछ ऑफर मिल जाएगा। राउंड टू का वेट किया, कोई ऑफर नहीं आया। राउंड थ्री का वेट किया, कोई ऑफर नहीं आया। भाई आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, परेशान, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन था या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ जा रहे थे, मेरा स्कोर बहुत एवरेज था। तो मैंने IIT इंदौर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पापा से बोला कि पापा 10,000 रुपये फीस मांग रहे हैं स्टार्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस। पापा बोले दे दो, मैंने फिल कर लिया। उसके बाद मैंने सारे IITs में तो अप्लाई किया हुआ था, कहीं पर MS में भी अप्लाई किया होता जहां पर मेरा चांस M.Tech में नहीं था। तो सबसे पहला कॉल मुझे IIT गांधीनगर से आता है, उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैंने उसका इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मुझे पूरी उम्मीद थी सिलेक्शन होगा, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे कॉल आता है IIT धरवाड़ से MS का मैकेनिकल में। इतने एवरेज गेट स्कोर में आपको बताता हूँ मुझे कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली थी। IIT धरवाड़ में दिया पहले इंटरव्यू, नहीं हुआ, चलो जाने दो। IIT तिरुपति में अप्लाई किया, उन्होंने सबसे पहले SOP मांगा, मैंने SOP बना के सबमिट किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उन्होंने 250 लड़कों में कुछ 30-40 लड़कों को सिलेक्ट किया था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, अच्छा गया, नहीं लिया। IIT जोधपुर में मैंने अप्लाई किया ड्यूल डिग्री के अंदर, देखा इंटरव्यू दिया, दो राउंड का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू अच्छा गया, एक भी बच्चे को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। देन आई गेव द इंटरव्यू फॉर IIT गोवा डायरेक्ट PhD। डायरेक्ट PhD में भी मेरे दो इंटरव्यूज हुए, वहां मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है, एक था कि चलो वहां सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं IIT मद्रास के मटेरियल साइंस में मेरे MS में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। वहां पर भी मैंने इंटरव्यू दिया, शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो वहां पर भी इंटरव्यू दिया, पहला सिलेक्ट हो गया, दूसरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, वो इंटरव्यू मेरी ही गलती से खराब हो गया था। तो मेरे पास इस समय दो ऑफर थे, एक IIT इंदौर से मेटलर्जी का M.Tech में, और IIT गोवा डायरेक्ट PhD, जो मुझे जाना नहीं था, ठीक है। बट मैंने किसी से गाइड लेकर डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर दिया, बट मुझे डायरेक्ट PhD करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद आता है CCMT। CCMT में मैंने अप्लाई कर दिया,
अब सीसीएमटी के टाइम पे भगवान की बहुत बड़ी किस्मत है कि मैंने जुगाड़ से एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलीकट और एनआईटी सूरतकल, इन चारों एनआईटी के स्टूडेंट्स का नंबर निकाल लिया। लेकिन बात यहाँ वही आती है कि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है, उन्होंने भी अपने टाइम पे बस काउंसलिंग करा ली, ले ली, उन्हें नहीं पता तिरची में कोई ब्रांच कैसी है, एलीगढ़ में कोई ब्रांच कैसी है, वारंगल में कोई ब्रांच कैसी है, तो बता ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने प्लेसमेंट स्टेट्स चेक किए, थोड़ा उससे एक अपना समराइज किया। मेरे सीनियर्स जो एक एनआईटी तिरची में, तो उन्होंने बोला सिद्धार्थ तेरा स्कोर ये है, तुझे ये एनआईटीज में चांस है, जैसे मुझे एनआईटी सूरतकल में मैन्युफैक्चरिंग, कैलीकट में मैन्युफैक्चरिंग, वारंगल में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मिल सकती थी, तिरची में कुछ मिल सकता था। उन्होंने बोला कि तेरा स्कोर जो है ना, मैं उसके हिसाब से ये बोलूंगा, तिरची में कोई भी ब्रांच उठा ले, वहां का प्लेसमेंट टॉप क्लास है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सीसीएमटी को फिल कर दिया, सीसीएमटी को फिल किया, उसके बाद मुझे एनआईटी सूरतकल में प्रोसेस मेटलर्जी फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ। तो मेरा को आईआईटी इंदौर में मेटलर्जी मिल चुका था, तो वो मुझे नहीं लेना था, राउंड मैंने फ्लोट कर लिया। राउंड टू में फिर मुझे मई सीट मिलती है, राउंड थ्री में मुझे एनआईटी वारंगल मटेरियल सिस्टम डिजाइन मिलती है। उस टाइम तक मेरे आईआईटी इंदौर में 30,000 रुपए सबमिट हो चुके थे, वहां मेरी क्लासेस चालू हो चुकी थी, और मैं आपको बता दूं प्रेशर कहीं से कम नहीं था। ठीक है, जो सीनियर बोल रहा था प्रेशर बहुत कम मिलेगा, वो कहीं से कम नहीं था। एक एक दिन में दो दो तीन तीन असाइनमेंट मिल रहे थे, ठीक है, और मैं यहाँ सीसीएमटी का वेट कर रहा कि भाई कुछ अच्छा मिल जाएगा, एनआईटी वारंगल में मटेरियल डिजाइन मिल चुका है, शायद एनआईटी तिरची में चांस लग जाए, किसी अच्छी ब्रांच में चांस लग जाए, तो मैं आईआईटी इंदौर छोड़ दूं। तो मैं क्लासेस भी नहीं कर रहा था, क्लासेस चल रही हैं, असाइनमेंट मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। फिर क्या होता है, स्पॉट राउंड आता है। स्पॉट राउंड में मैंने उसके साथ साथ जो फीस सबमिट की थी सीट एक्सेप्टेंस, उसके साथ साथ अलग से 12,500 रुपए सबमिट किए, ठीक है, 40,000 रुपए होता है आपके स्पॉट राउंड के पहले। तो राउंड वन में मुझे एनआईटी कैलीकट मैन्युफैक्चरिंग मिली। देखो, मुझे मैन्युफैक्चरिंग मिली है, वो भी ओल्ड एनआईटी में। तो मैंने वहां के सीनियर से बात किया, तो उन्होंने बोला क्या करेगा यहाँ पर आके, 40% प्लेसमेंट है, जिसमें जो प्लेसमेंट हुआ है बच्चों का, तो कुछ बच्चों का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है, एक दो बच्चों का बैंक में हुआ है, कोई ऐसा बहुत खास तो प्लेसमेंट हुआ नहीं है, जिसके लिए तुम यहाँ पर आ जाओ 40% के लिए। मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सीखने वाला पॉइंट क्या है कि जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वहां 40% प्लेसमेंट है और 5 चले जाओ, यहाँ 20% है मत जाओ। बस ये देखो कि अपॉर्चुनिटीज और सीखना, IITs का करिकुलम, पढ़ाई, सिलेबस, लैब्स, हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि मैन्युफैक्चरिंग मत लो, तो मैं बहुत क्लियर था, ठीक है, उस टाइम मैं क्लियर हो चुका था कि मैन्युफैक्चरिंग लेना नहीं है, और मुझे ये पता था कि स्पॉट राउंड टू में पार्टिसिपेट करूंगा, तो मेरे पैसे गए, मेरे 40,000 रुपए गए स्पॉट राउंड टू में, और कुछ नहीं मिला तो NIT कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग फिर मिल जाएगा, मुझे ये पता था अभी यहां तक, ठीक है, आप समझना। रात आ जाती है काउंसलिंग की, ठीक है, जिस दिन मुझे लास्ट मेरे पास ऑप्शन है, या तो सीट को स्पॉट राउंड वन को छोड़ दो, या फ्लोट, मतलब आप स्पॉट राउंड टू में पार्टिसिपेट कर लो। उस रात मेरी किसी खास व्यक्ति से बात होती है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उसका बहुत ज्यादा हेल्प है, जिसकी वजह से आज मैंने ये डिसीजन ले पाया था। उसने मुझे बोला कि क्यों सोच रहे हो 40,000 रुपए के लिए, ये सोचो ना कि अगर तुम्हें NIT तिरची मिलता है और तो क्या फायदे होंगे, क्या तुम्हारा बेटर फ्यूचर होगा, क्या तुम्हारा करियर स्कोप होगा। तो यार मुझे बहुत चीज वो रिलेट कर गई यार, है ना। तो फिर मैंने पापा को फोन किया, पापा बोले कि अरे तुम क्यों सोच रहे हो 40,000 रुपए के लिए, अरे खेल जाओ यार, इतना लाइफ में आगे तक आए हो, दिल्ली में रहे हो 2 साल, लाखों रुपए बर्बाद हो गए, 40,000 रुपए के लिए क्यों सोच रहे हो। मैं अप्लाई कर, राउंड टू का रिजल्ट आता है और NIT तिरची मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मुझे मिलती है। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम कि मुझे NIT तिरची मटेरियल साइंस मिल गई। अब आपको बताऊंगा यहां पर खास बात क्या है कि मैं खुश क्यों था, ठीक है, तो बहुत खुश कि यार NIT तिरची मिल गई, मैं झूम उठा। रात को मेरा रिजल्ट आता है करीब 11 बजे, मैं बहुत खुश यार NIT तिरची मटेरियल साइंस मिल गया। अब आपको बताता हूँ मेन रीजन कि यहाँ पे मेन रीजन क्या है NIT तिरची लेने। देखिए, IIT इंदौर में कोर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हैं, ठीक है, मटेरियल साइंस और मेटलर्जी ब्रांच के लिए। इवन वहां पे जो थर्मल और मशीन डिजाइन में जो इस साल का प्लेसमेंट है वो भी ऑलमोस्ट निल गया है, ठीक है। तो ये हालात चल रहे हैं अभी IIT इंदौर के सेकेंड जनरेशन। बट NIT तिरची में एक खास बात यह है कि आप मैकेनिकल की किसी भी स्ट्रीम में MTech कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, सेफ्टी, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, NDT, मैकेनिकल की आने वाली सारी कोर कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है, इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इवन नॉन कोर में इंडिया की हर IIT कंपनी यहाँ पर आती है प्लेसमेंट करने के लिए।
ये अपने टीपीओ के लिए फेमस थी। आप मानोगे नहीं, इस समय ऑलमोस्ट जहां पर सेकंड जनरेशन एनआईटीज की टॉप ब्रांचेस के प्लेसमेंट निल चल रहे हैं, प्लेसमेंट्स नहीं हुए हैं, ओल्ड एनआईटीज की टॉप ब्रांचेस के प्लेसमेंट 20-30% हुए, वहां एनआईटी त्रिची की हर ब्रांच का ऑलमोस्ट प्लेसमेंट 80% से ऊपर हो गया है। ये रीजन था एनआईटी त्रिची लेने का। तो मैं सभी लोगों को इसलिए बोलता हूं कि एनआईटी त्रिची ले लो अगर मिल रहा है तो। फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पर रिक्वेस्ट डाली कि सर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना है, आप मेरा फीस वापस कर दीजिए आईआईटी इंदौर से। तो फीस तो वापस होता नहीं है, एक सिक्योरिटी मनी होती है 10,000 रुपए की। तो उन्होंने फिर एक अपना पूरा प्रोसेस चला 6 महीने का, उन्होंने 6 महीने बाद मेरी फीस मुझे 10,000 रुपए बस वापस कर दी। 6 महीने तो कई बार फोन लगाना पड़ा, थोड़ा इधर उधर भागना पड़ा, बट भागना तो नहीं पड़ा लेकिन फोन में परेशान होना पड़ा, मेल वेल लिखना पड़ा। फिर मैंने एनआईटी तिरछी के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। और सोचो, अब एनआईटी तिरछी का बताता हूं, एनआईटी तिरछी में एडमिशन लिया, वर्कलोड बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, कोई असाइनमेंट का झंझट नहीं कि बहुत असाइनमेंट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से स्मूथली मेरा एमटेक का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर निकल गया। सॉफ्टवेयर जॉब्स और डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, बहुत सारे कोर्सेज कर चुका हूं और बहुत अच्छी नॉलेज ग्रैब कर चुका हूं, और अभी प्लेसमेंट्स के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। अब प्लेसमेंट्स आने वाले हैं हमारे अगस्त से, तो हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए अपीयर होंगे। तो मेन रीजन प्लेसमेंट था एनआईटी त्रिची लेने का। यही पूरी एक स्टोरी थी, यही पूरी एक जर्नी थी कि मैंने अपना आईआईटी इंदौर से एनआईटी त्रिची का सफर तय क्यों किया। मैंने हर बात को आपके सामने पूरी तरह से रखा। तो मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा पहली बार उन लोगों को कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आईआईटी का लड़का बोल रहा है कि अरे भाई ये ब्रांच ले लो अच्छी है या वो ब्रांच ले लो, तो पहले जानो कि उसको कितना नॉलेज है, उसके बारे में जानो उसको कितना पता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपनी ही बगल वाली मतलब थर्मल के हो बट उसी कॉलेज की डिजाइन के बारे में नहीं पता होता है और वो ज्ञान 50 देते हैं, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, तो ऐसे लोगों से बचना है। दूसरी चीज स्पॉट राउंड 2 की बता देता हूं। अगर स्पॉट राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिल गई है और स्पॉट राउंड 2 में अगर उससे ऊपर की कोई सीट आपको नहीं मिलती है तो आपने वो सीट ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी है, मतलब आप स्पॉट राउंड 2 से बाहर आ जाओगे, आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये मुझे पता चला स्पॉट राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद कि ऐसा होता है। और ऊपर तो सब तिरछी की ब्रांचें थी तो मतलब तिरछी मिलता या नहीं मिलता तो पैसे वापस आ जाते, मतलब मेरे पैसे एट द एंड सेफ ही थे। और आईआईटी इंदौर के कंपैरिजन में एनआईटी तिरछी का प्रेशर कम, पढ़ने का टाइम ज्यादा मिला, अदर अपना स्किल्स डेवलप करने का टाइम ज्यादा मिला। ये पूरी एक जर्नी मैंने आज कवर की आपके सामने आईआईटी इंदौर से एनआईटी तिरछी तक। आशा करता हूं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी मेरी ब्रांच को लेकर। मेरे हर किसी भी चीज को लेकर जज मत कीजिएगा कि मुझे कौन सी ब्रांच में पढ़ता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इस समय इस पोजीशन में हूं कि आपको बेस्ट गाइड कर सकूं काउंसलिंग के लिए कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। यही मेरा मोटो था कि मैंने अपना चैनल चालू किया, सिर्फ इसीलिए चालू किया कि आप जैसे बच्चों की मदद कर सकूं, जो मैंने फेस किया वो आपको ना करना पड़े कभी। बस इतना सा ही चैलेंज लेकर मैंने 0 सब्सक्राइबर से जर्नी पूरी स्टार्ट की और आज हमारे 5500 सब्सक्राइबर हैं। और ऐसे सब्सक्राइबर जो हर वीडियो में कम से कम 1,500 से ज़्यादा 2,000 से ज़्यादा व्यूज देते ही देते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह अपना प्यार देते हैं, बस अपना ये साथ हमेशा बनाए रखिएगा। आप अपने भी जूनियर्स को गाइड करिएगा, आपको जो हेल्प मिली हमारे थ्रू, बस हमारा इतना सा ही मोटो है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, हमेशा हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा।